अधर्मी। मेहता साहब शांति। मेहता साहब आराम आराम। मेहता साहब का ऐसा मानना है कोयल तुम्हें पसंद आ गई। हाँ का क्या मतलब है? क्या मतलब है हाँ का? दिमाग से ख्याल भी निकाल दो पोपट लाल। और इन शॉर्ट मैं तुम्हें सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूँ, तुम्हारी और कोयल की जोड़ी बिल्कुल नहीं जमती। नहीं मेहता साहब, प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कोयल में ऐसी कोई कमी नहीं है कि हमारी जोड़ी ना जम सके। और मान लीजिए कि कोई कमी है भी, तो मैं उसे नजरअंदाज करूंगा, क्योंकि कोयल मुझे दिल से पसंद आ गई। पोपट लाल, why don't you understand? ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। तुम कोयल को पसंद करते हो, दैट्स ओके। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि कोयल तुम्हें पसंद नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, रत्ती भर भी नहीं। ऐसा कोयल ने आपसे कहा? नहीं, कोयल ने तो मुझे ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं कोयल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर कोयल भी कहेगी तो यही कहेगी कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। She doesn't like you. नहीं नहीं मेहता साहब, ये तो आपका अनुमान है ना, परिणाम तो कोयल ही देगी ना। कोयल अगर मुझे अपने मुंह से ये कहे कि वो मुझे पसंद नहीं करती तो मैं मान लूंगा, क्यों जेठालाल? तो ठीक है मेहता साहब, आप बाद में कोयल से पूछ लेना, पर उसका जो भी जवाब हो वो पोपट लाल को बता देना। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बाद में क्यों जेठालाल, बाद में क्यों? कल करे सो आज करो, और आज करे सो अब। मैं इस चीज को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोयल भी यही है, ये भी यही है, हम लोग हैं, अभी पूछ लेते हैं। कोयल भी यही बोलेगी कि वो इसे पसंद नहीं करती। लेट्स डू इट राइट अवे। ये सिर्फ छाता नहीं है, मेरा साथी है, हमेशा मेरे साथ रहता है। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे प्रोफेशन को समझ सके, मुझे समझ सके, मेरी शरारतों को समझ सके। लड़का बिल्कुल मेरी तरह खुश मिजाज होना चाहिए। वो हैंडसम नहीं हो चलेगा, लेकिन दिल का अच्छा होना चाहिए। ठीक है चलो। मैं तो तैयार हो गया। कोई बात नहीं, कोयल अभी इसे चोंच मार के उड़ा देगी। चलो चलो। तेरी शादी में ऐसी भरचक साड़ी ही लूंगी मैं। क्या दीदी? पोपट भाई आओ। कोयल तुमसे एक सवाल करना था। ये पोपट लाल तुम्हें कैसा लगता है? अरे मैं तो साहब, किसी लड़की को किसी लड़के के बारे में जहर में ऐसे थोड़े ना पूछते हैं। हाँ तारक। कौन लड़का कौन? अरे ये पोपट भाई। अरे ये लड़का थोड़ी है, आधेड़ भाई का पुरुष है, पुरुष। जेठालाल, जब तक शादी नहीं होती तब तक आधेड़ भाई का पुरुष भी लड़का ही कहलाया जाता है। चलो लड़का ही सही। ये लड़का तुम्हें कैसा लगता है कोयल? एकदम बोरिंग। चलो लड़के, चलो 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 चलो। मैं तो मजाक कर रही थी। In fact, Popat Lal is a very interesting person. I love his company. सुना? मैं तो ये सोच रही थी कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो पोपट लाल को साथ में लेके चली जाओ। देखा देखा आप लोगों ने, भाई नेकी और पूछ पूछ। मैं तो कहता हूँ कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दीदी मैं शॉपिंग करके आती हूँ।
बाय देव भाभी। आओ कोयल आओ। बाय जीजू। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। कबूल कीजिए इस लड़के का खुदा हाफिज। आप तो कह रहे थे कोयल पोपट को चोंच मारेगी, ये कोयल तो पोपट के साथ उड़ गई। अंजलि अंजलि, ये कोयल समझती क्यों नहीं है, ये पोपट उस पे लट्टू हुआ हुआ है और उसी के साथ शॉपिंग पे चली गई। अरे तुम्हें उसे रोकना नहीं चाहिए था। इसमें मैं क्या करूं, अब वो बड़ी हो गई है, उसे ऐसे कैसे टोक सकती हूँ मैं। अरे भाई वो बड़ी हो गई है इसी बात की तो चिंता है, बड़ी भली हो गई है लेकिन नादान है, और मुझे पूरा यकीन है ये पोपट लाल जरूर उस पे प्यार के दाने डालेगा।